पाई नेटवर्क की एक और न्यू अपडेट के साथ। जी हाँ, इस अपडेट के अंदर आप अपने पाई कॉइन का विड्रॉल भी कर पाएंगे अपने पाई वॉलेट के अंदर, जिसके लिए यहाँ पर आपको कुछ स्टेप भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जो कि अपडेट आई है यहाँ पर मैंने ट्रेड मैप एंड यूआर चेकलिस्ट। जी हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी पाई नेटवर्क के अंदर न्यू अपडेट आए या आपको केवाईसी को लेकर या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपको हमारे चैनल पर पहले से वीडियो मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो सिंपली आप बात करते जो भी पाई नेटवर्क की अपडेट आई है यहाँ पर मिनट को लेकर, मिनट में लॉन्च होने को लेकर, तो सिंपली आप चेकआउट भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर यूवर चेक लिस्ट पर क्लिक करता हूँ। यूवर चेक लिस्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया होगा यहाँ पर मिनट ट्रांसफर। जी हाँ, मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं, आप अपने पाई कॉइन की माइनिंग करते हो, उन पाई कॉइन को पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपने पाई कॉइन की जितनी भी पाई कॉइन आपने माइन करके रखा है उनको पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल कर पाएंगे। जी हाँ, यही आपको इस अपडेट के अंदर दिखाई दे रहा होगा। आपको कुछ स्टेप यहाँ पर, 6 स्टेप कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने पाई कॉइन को आसानी से पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल कर पाएंगे, और पाई नेटवर्क जल्द ही मेनेट के अंदर भी लॉन्च होने वाला है। आपको यहाँ पर कुछ ही दिनों के अंदर मेनेट के अंदर लाइव की अपडेट भी दिखाई दे देगी, इसी आपको होम स्क्रीन के ऊपर पाई नेटवर्क के अंदर, और आपको हमारे चैनल पर इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप बात करते हैं जो भी यहाँ पर 6 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो सिंपली नंबर एक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, डाउनलोड पाई ब्राउजर। जी हाँ, आपने पाई नेटवर्क के अंदर पहले से यदि माइनिंग करते हो तो आपने पाई ब्राउजर को यहाँ पर डाउनलोड करके रखा होगा, लेकिन जो नए यूजर है पाई नेटवर्क के अंदर अभी माइनिंग कर रहे हैं, यदि उन्होंने पाई ब्राउजर को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। यदि आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर इस अपडेट पर आप क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पर पाई वॉलेट को लेकर यानी पाई ब्राउजर को लेकर, तो इस अपडेट के अंदर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पाई ब्राउजर को आप डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपने पहले से पाई ब्राउजर को डाउनलोड कर रखा है तो आपका पाई ब्राउजर यहाँ पर क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 स्टेप की, जो कि यहाँ पर पाई ब्राउजर के अंदर ही आपकी केवाईसी होगी। नंबर 1 स्टेप के अंदर यहाँ पर आपको केवाईसी को रिलेटेड भी यहाँ पर सभी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अब नंबर 2 स्टेप की बात करते हैं क्रिएट ए वॉलेट। जी हाँ, यदि आपने वॉलेट क्रिएट ही नहीं किया है, यदि आपके वॉलेट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप अपने पाई कॉइन का विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जितने भी आपने कॉइन की माइनिंग कर रखा है उनका विड्रॉल कर पाएंगे अपने पाई वॉलेट के अंदर ही, और पाई वॉलेट से ही आप अपने कॉइन का लेन देन कर पाएंगे, विड्रॉल कर पाएंगे यानी पाई वॉलेट के अंदर, तभी आप कॉइन का बाय सेल कर पाएंगे और पाई कॉइन का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। पाई वॉलेट के अंदर आपको पाई वॉलेट क्रिएट कर लेना है। जी हाँ, यदि आपने अभी तक पाई वॉलेट को क्रिएट नहीं किया है तो आप सिंपल तरीके से आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, नहीं आप हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड किया है पाई वॉलेट को क्रिएट कैसे करें वो भी आप देख सकते हो। तो सिंपली 2 अपडेट यहाँ पर, नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा आपको पाई वॉलेट क्रिएट करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं नंबर 2 पाई वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर प्राइवेट की दी जाएगी, उसको आपको सिक्योर और सुरक्षित रखना है, क्योंकि पाई वॉलेट के अंदर जब आप वापस एंटर करेंगे तो आपको वहाँ पर प्राइवेट की भी डालनी पड़ेगी, जो कि नंबर 2 स्टेप आपको ये बहुत ही फॉलो यानी इम्पोर्टेंट है, आपको ये फॉलो करना है जिससे आपका पाई वॉलेट भी क्रिएट करना है। तो नंबर 3 बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मत पाई यू वेंट टू लॉकअप। बहुत ही न्यू अपडेट आई है पाई नेटवर्क के अंदर लॉकअप को लेकर। मैंने इसके बारे में पहले भी एक पूरा वीडियो आपको बना के बता दिया था कि पाई नेटवर्क के अंदर लॉकअप क्या है और हम किस प्रकार से अपने कॉइन को लॉकअप करेंगे और लॉकअप करने से कौन सा फायदा होगा, वो भी मैंने प्रोसेस आपको बता दिए। मैं एक बार और आप यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो अपने पाई कॉइन का निश्चित समय अंतराल के लिए आप लॉकअप कर सकते हो। अब भाई लॉकअप करने से क्या होगा, तो आप अपने जितने पाई कॉइन को जितने समय से लॉकअप करेंगे उतनी आपकी पाई कॉइन की स्पीड भी बढ़ेगी और अपने आने वाले समय के अंदर पाई कॉइन का अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। यदि आपके पास कम पाई कॉइन है, यदि आप चाहो उनमें से कितना भी लॉक कर सकते हो, चाहे आप चाहे तो यहाँ पर 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ पर जितना चाहे लॉक कर सकते हो। यदि आपने कॉइन की माइनिंग कर रखा है उनमें से आप 50% को लॉक करते हो या 100% को लॉक करते हो, आप इच्छा अनुसार लॉक कर सकते हो, जिससे यहाँ पर आपके कॉइन भी
सिक्योर और सुरक्षित रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं आने वाले समय के अंदर लॉकअप करने से आपके कॉइन भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि लॉकअप को लेकर अपडेट है। आप यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार चाहे जितने लॉकअप कर सकते हो, चाहो तो यदि नहीं करना चाहते लॉकअप तो नहीं भी कर सकते हो। तो हम बात करते हैं नंबर, यहाँ पर तीन स्टेप मैंने बता दिए जो कि लॉकअप को लेकर अपडेट है। अब बात करते हैं नंबर चार अपडेट, यहाँ पर आपको केवाईसी को लेकर दिख रही होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी होने के बाद ही हम अपने कॉइन को पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबमिट यूअर केवाईसी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कमिंग सून, जी हाँ, जल्द ही आपको पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी दिखाई देगी। पहले केवाईसी को लेकर अपडेट आई थी उसके अंदर यहाँ पर 100 लोगों की केवाईसी हो पाई इंडिया के अंदर, लेकिन अब पाई नेटवर्क के अंदर सभी लोगों की केवाईसी होगी और केवाईसी का ऑप्शन भी आपके सामने जल्द ही दिखाई देगा, क्योंकि पाई नेटवर्क मिनट के अंदर लॉन्च होने से पहले सभी लोगों की केवाईसी करेगी। केवाईसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाई नेटवर्क के अंदर बहुत ही फेक माइनिंग हो रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक आईडी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे माइनिंग चल रहे हैं, यानी एक व्यक्ति के द्वारा 3 से 4 अकाउंट करके माइनिंग चल रही है, जिससे यहाँ पर कॉइन की फ्री के अंदर यहाँ पर स्पीड बना रहे। लेकिन यहाँ पर केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवाईसी होने के बाद ही अपने पाई कॉइन को हम विड्रॉल कर पाएंगे पाई वॉलेट के अंदर। जी हाँ, यदि आपकी केवाईसी नहीं होगी, आपके केवाईसी में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपने जितने भी पाई कॉइन की माइनिंग की है वो अपने पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले से वीडियो बना दिया है पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को लेकर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सी प्रोसेस होगी, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, जो कि केवाईसी को लेकर अपडेट है। और जल्द ही आपको यहाँ पर केवाईसी भी देखने को मिल जाएगी नंबर चार अपडेट के अंदर, जिससे आप अपने कॉइन का यहाँ पर वॉलेट के यानी पाई वॉलेट के अंदर विड्रॉल भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखा देगा वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट। जी हाँ, जब आपको केवाईसी के लिए आप अप्रूवल कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ को कुछ समय भी लग सकता है। इसके बाद सिंपल तरीके से आप अपनी केवाईसी हो जाएगी। केवाईसी क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत स्कैमर है, इसीलिए पाई नेटवर्क के अंदर कुछ फ्रॉड ना हो, इसीलिए केवाईसी इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी बात यह भी है, यदि आपने पाई नेटवर्क के अंदर अपने रेपल कोर्स से जितने भी लोगों को यहाँ पर ज्वाइन कराया है, उनकी केवाईसी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपने यदि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपने 100 लोगों को यहाँ पर अपने रेपल कोर्स से ज्वाइन कराया है, तो उन सभी की केवाईसी होगी, तो ही आपको यहाँ पर कॉइन की स्पीड से बनी है वो मिलेंगे। यदि उनमें से यदि 25% यानी 25 लोग ही यदि केवाईसी करते हैं, तो आपको 25 लोगों के ही रेपल कोर्स से जो माइनिंग स्पीड बनी है वो ही मिलेंगे। जिन लोगों की केवाईसी नहीं होगी, उनके आपको कॉइन भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर 5 जो केवाईसी को लेकर है, नंबर यहाँ पर 6 देख सकते हो इन्वेस्ट यूअर यहाँ पर रेफरल कोड। जी हाँ, आप अपने रेपल कोर्स से किसी भी फ्रेंड को ज्वाइन की है, उनसे आपको कुछ कॉइन प्राप्त हुई है। जी हाँ, आपने उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपने 100 लोगों को इसके अंदर ज्वाइन कराया अपने रेपल कोर्स से, यदि उन 100 लोगों की केवाईसी होगी, तो आपकी जितने भी पाई कॉइन की स्पीड बनी है वो आपको पूरे पाई कॉइन मिलेंगे। लेकिन यदि उनमें से कुछ लोगों की केवाईसी नहीं होती है, तो उनके आपको पाई कॉइन नहीं मिलेंगे। यदि उनकी अब सवाल ये आता है, उन लोगों की केवाईसी नहीं होगी तो उन कॉइन का क्या होगा? जिन लोगों की केवाईसी नहीं होगी, कुछ दिनों के बाद पाई नेटवर्क से वो कॉइन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, यहाँ पर वो मिट जाएंगे। लेकिन जिन लोगों की केवाईसी होगी, वो यहाँ पर अपने पाई वॉलेट के अंदर कॉइन का विड्रॉल कर पाएंगे और पाई नेटवर्क की जल्दी आपको प्राइस भी देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर यदि आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, आपको इसका भी जवाब दिया जाएगा। और यदि आपको ये पूरी प्रोसेस प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाना है, जी हाँ, कि यहाँ पर डाउनलोड कैसे करें पाई ब्राउजर को, और यहाँ पर वॉलेट क्रिएट कैसे करें, और यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पर एक अपडेट और दे सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर रोड मैप। जी हाँ, पाई नेटवर्क के अंदर रोड मैप को लेकर अपडेट है कि पाई नेटवर्क ने 0 से शुरू किया था और आज यहाँ पर इतने लोग पाई नेटवर्क के अंदर जुड़ गए हैं, कि शुरुआत से पाई नेटवर्क ने कहाँ से यानी 2018 के अंदर यहाँ पर अपना बीटा वर्जन अपलोड किया था, इसके बाद यहाँ पर पाई नेटवर्क अभी तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पर एक वीडियो और आपको जल्द हमारे चैनल पर मिल जाएगा पाई नेटवर्क के अंदर रोड मैप को लेकर। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट आए या आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।